Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udaan. Hello everyone, I am Rashid Ayub और जैसा कि आपको पता है मैंने पहले एक वीडियो डिस्कस किया था एक दो दिन पहले अबाउट द स्ट्रेटजी पार्ट ऑफ अ जेई सिविल एग्जाम. तो आज स्टूडेंट्स मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स की फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बता पाऊँ कि जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए जो कि आपको आगे पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा पहला बेसिक टॉपिक जो है वो है बेसिक एंड इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स. पहला कॉन्सेप्ट, पहली टर्म जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज सिस्टम. ठीक है स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज अ प्री डिफाइंड आइडेंटिफाइबल मास ऑफ मैटर. प्री डिफाइंड आइडेंटिफाइबल मास, व्हाट यू मीन बाय प्री डिफाइंड आइडेंटिफाइबल मास? वो पार्ट ऑफ मैटर जो आप स्टडी करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उसे सिस्टम बोलते हैं. मैटर का वो पार्ट जिसे आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज को आप पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं सिस्टम. बाकी सबको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग. सराउंडिंग इज नॉट ऑफ योर इंटरेस्ट. हमारे इंटरेस्ट का क्या है? सिस्टम. मैटर का वो पार्ट जो आप स्टडी करना चाहते हैं उसे सिस्टम कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं. ये ग्लास जार है जिसमें पानी भरा हुआ है. ठीक है, आप पानी को स्टडी करना चाहते हैं. यू वॉन्ट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर. लाइक आप इसकी डेंसिटी मालूम करना चाहते हैं, आप सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड मालूम करना चाहते हैं, और फॉर दैट पर्पस आप इसका टेस्ट मालूम करना चाहते हैं कि ये पानी टेस्ट में कैसा है. तो व्हाट इज योर इंटरेस्ट? ये पानी आपका मैटर ऑफ इंटरेस्ट है, तो इट बिकम्स सिस्टम. ठीक, बाकी इस ग्लास जार के आगे पीछे जितना भी है, मैं खड़ा हूं, ये टीवी है, ये कैमरा है, दिस इज ऑल सराउंडिंग. इससे आपको कोई लेने देना नहीं है. एंड व्हाट इज दिस ग्लास जार? जो इसकी बाउंड्री है, जो ग्लास जार का जो ग्लास बाउंड्री है, व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज इंटरफेस और बाउंड्री. ठीक है, तो स्टूडेंट्स व्हाट इज सिस्टम? दैट पार्ट ऑफ मैटर जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज आप नोट डाउन करना चाहते हैं, उसे हम सिस्टम कहते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेकेंड टर्म इज योर कंट्रोल वॉल्यूम. व्हाट इज कंट्रोल वॉल्यूम? ए फाइनाइट रीजन इन स्पेस हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम. स्पेस में एक डेफिनेट रीजन, वेल डिफाइंड रीजन आप लेते हैं जिसका आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकें, मतलब जिसका वॉल्यूम फाइनाइट हो, कैलकुलेबल हो, जिसका आप वॉल्यूम निकाल सको. रीजन किसी भी स्पेस के उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? कंट्रोल वॉल्यूम, जिसका आप वॉल्यूम निकाल सको. ठीक है, ये क्यों, ये कंट्रोल वॉल्यूम जो टर्म है ये कहाँ हेल्प करती है, ये कंसेप्ट कहाँ हेल्प करता है हमें? फॉर द एनालिसिस ऑफ फ्लूइड. फ्लूइड एनालिसिस में ये हमें हेल्प करेगा. कैसे हेल्प करेगा वो मैं आपको बताता हूं. देखें सॉलिड्स के केस में क्या होता है, आपने फॉर एग्जाम्पल किसी सॉलिड को स्टडी करना है. फॉर एग्जाम्पल दिस पेपर कप, आप इसको स्टडी करना चाहते हैं, आप इसको होल्ड कर सकते हैं, आप इसको हाथ में रख के इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी आप डायमेंशन देख सकते हैं, इसका यहां से आप सर्कमफ्रेंस देख सकते हैं, यहां से सर्कमफ्रेंस देख सकते हैं, इसकी डेप्थ देख सकते हैं. यू कैन कंट्रोल दिस सॉलिड ऑब्जेक्ट. बट लिक्विड के केस में ऐसा नहीं है. अगर मैं कहूं कि आप लिक्विड को कंट्रोल कर सकोगे, नहीं. इन केस ऑफ फ्लूइड्स यू कांट होल्ड फ्लूइड एज सच. ठीक है, फ्लूइड को होल्ड करके उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी नहीं कर सकते हो. हम उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक पाइप से पानी फ्लो कर रहा है. ठीक है, अब आप इस पानी की वेलोसिटी मेजर करना चाहते हैं. वेलोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड. यहां पे अगर मूविंग फ्लूइड है, हम क्या करते हैं, हम सेक्शंस डिफाइन कर देते हैं, लोकेशंस डिफाइन कर देते हैं, लोकेशंस सेट कर देते हैं, और यू कैन से कोऑर्डिनेट सेट कर देते हैं. लाइक मैं यहां पे एक सेक्शन ले लूं 1 1, और यहां पे दूसरा सेक्शन ले लूं 2 2. सॉरी, यहां पे एक सेक्शन 1 1, यहां पे दूसरा सेक्शन 2 2. अब मुझे किसी भी लिक्विड पार्टिकल को हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है. मैं क्या करूंगा, इस सेक्शन पे बैठा रहूंगा, इंतजार करता रहूंगा, यहां से फ्लूइड पार्टिकल पास हो, उसकी वेलोसिटी देख लूं कितनी है, फिर इस सेक्शन पे बैठा रहूं, जब फ्लूइड पार्टिकल पास होगा उसकी वेलोसिटी नोट कर लूं. तो एज सच आपको फ्लूइड
को पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, एक कंट्रोल वॉल्यूम ले लिया, इस स्पेस में एक फाइनाइट आपने लेंथ ले ली सेक्शन बिटवीन सेक्शन वन एंड सेक्शन टू, जिसके बीच में आप फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ओके देन, ठीक है। तीसरा जो आपका कंसेप्ट बनेगा वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज का। फंडामेंटल क्वांटिटीज, पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है आपकी लेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं विद द लेटर एल, और इसका यूनिट क्या है, मीटर। लेंथ इज नोटेड बाय एल एंड इट्स यूनिट इज मीटर। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी आपका मास, मास इज नोटेड बाय एम एंड इट्स यूनिट इज किलोग्राम, डिनोटेड बाय केजी, के एंड जी। थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी इज टाइम, डिनोटेड बाय टी एंड इसका यूनिट है सेकेंड्स। ठीक है, फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, फोर्स, डिनोटेड बाय एफ एंड इसका फंडामेंटल यूनिट क्या है, न्यूटन। देखिए ये बहुत ही बेसिक चीज है, मैं आपको बता रहा हूं क्यों, बिकॉज माय एम इज टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो और आपके कॉन्सेप्ट्स आगे बिल्ड होते जाए, बट विद लेवल जीरो, जीरो से हीरो बनना है आपने। ठीक है, जो डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने डिप्लोमा किया है, उनको भी ये लेक्चर समझ आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी जेई एग्जाम में बैठना है, दे आर ऑल्सो गोइंग टू अपेयर फॉर दिस एग्जाम। सो कंसेप्ट जो है बिल्कुल जीरो लेवल से ही बिल्ड करते करते हम आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, ये तो बात होगी फंडामेंटल क्वांटिटीज की। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, यू कैन से फोर्थ टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे इज डिराइव्ड क्वांटिटीज, और यू कैन से सेकेंडरी क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, जो आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके बनाई हो, फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके आपस में बनाई हो। ठीक है, पहली फंडामेंटल क्वांटिटी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल इज योर वेलोसिटी। क्या होती है वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट, और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एम स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर, एंड एस स्टैंड्स फॉर टाइम यानी सेकेंड्स। तो देखें आपकी वेलोसिटी किससे डिराइव हुई है, मीटर एंड सेकेंड से। मीटर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, एंड सेकेंड इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी यानी टाइम। ठीक है, तो इन्हीं दो फंडामेंटल क्वांटिटी से आपका डिराइव होती है वेलोसिटी। सिमिलरली डिराइव्ड क्वांटिटी, नेक्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटी एक्सेलरेशन, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रेशर की। व्हाट इज प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। बट व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। यहां पे नॉर्मल फोर्स बहुत जरूरी है, प्रेशर इज नॉट फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, गलत हो जाएगा। प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। नॉर्मल फोर्स का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपकी ऐसे एक सरफेस है, इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर आपकी फोर्स अप्लाई होनी चाहिए। दिस फोर्स एफ शुड एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, देन ओनली दिस फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द सरफेस विल गिव यू प्रेशर। अगर ये फोर्स परपेंडिकुलर नहीं होगी, थोड़ी सी इंक्लाइंड हो लाइक दिस, तो ये F डिवाइडेड बाय A प्रेशर नहीं माना जाएगा। तब आपकी फोर्स जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस होनी चाहिए, तब जाके दिस फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया विल गिव यू प्रेशर। ठीक है, और दूसरी चीज, अभी आप जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, वहां एक टर्म आती है स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस एंड प्रेशर दे मे बी फंडामेंट न्यूमेरिकली इक्वल और सेम, बट टेक्निकली ये दोनों चीजें अलग अलग है। प्रेशर इज द नॉर्मल फोर्स एक्सटर्नली अप्लाइड, बाहर से कोई फोर्स नॉर्मली एक्ट कर रही है किसी सरफेस पे, तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगी, प्रेशर। एक्सटर्नली अप्लाइड, बाहर से अप्लाई की गई फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज प्रेशर, बट स्ट्रेस इज नॉट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड।
स्ट्रेस इज द इंटरनल रिएक्शन। स्ट्रेस जो है किसी भी मटेरियल की, किसी भी चीज की इंटरनल रेजिस्टेंस को कहते हैं। स्ट्रेस इज इंटरनल रेजिस्टेंस एंड प्रेशर इज एक्सटर्नल फोर्स। बात समझ आ गई? जैसे आपने सुना भी होगा, ओहो मुझ पे बहुत काम का बहुत प्रेशर है, मुझ पे मेरे पे बॉस का बहुत प्रेशर है। तो प्रेशर इज अप्लाइड एक्सटर्नली और हम कहते हैं यार मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। स्ट्रेस्ड इज द इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड। तो इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल रिएक्शन को स्ट्रेस बोलेंगे, बाहर से जो अप्लाई हो रहा है पर यूनिट एरिया फोर्स को क्या बोलेंगे? प्रेशर। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस। हालांकि यूनिट सेम है, लिखने में भी दोनों सेम है, फोर्स पर यूनिट एरिया, बट अगर आप उसकी थोड़ा लेयर्स बाय लेयर्स उठाएंगे तो प्रेशर इज समथिंग एल्स एंड स्ट्रेस इज समथिंग एल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ सॉलिड एंड फ्लूइड्स। सॉलिड एंड फ्लूइड्स में फंडामेंटल डिफरेंस किस चीज का है? ऐसा क्या है कि हम सॉलिड मैकेनिक्स अलग से पढ़ते हैं एंड फ्लूइड मैकेनिक्स को हम अलग से पढ़ते हैं? इनको दोनों को एक साथ क्यों नहीं पढ़ सकते? उसका बेसिक कॉज क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दोबारा मैं इसी की एग्जांपल लेता हूं, इस पेपर कप की। देखें, अगर मैं इस पर कोई फोर्स अप्लाई करता हूं, इट विल गेट डिफॉर्म्ड। ये डिफॉर्म होगा, ठीक है। जैसे ही मैं इस फोर्स को रिलीज कर दूंगा, इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है, यहां क्या होगा? दो ही केस बनेंगे, एक जब मैंने इसको फोर्स अप्लाई किया, ये डिफॉर्म होगी इसकी बॉडी, जब फोर्स रिलीज की ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। यहां क्या होगा? मैंने फोर्स अप्लाई की, ये डिफॉर्म हो गया और ये अब अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। डिफॉर्मेशन इज फिक्स्ड। इन केस ऑफ सॉलिड, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, द डिफॉर्मेशन इज फिक्स्ड, बट द डिफॉर्मेशन में बी परमानेंट और टेम्पररी। समझ आ गई? In case of solids, when external force is applied, the deformation is fixed, but the deformation may be temporary or permanent. अगर मैंने इस पेपर कप को इतना फोर्स लगाया होता अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट, तब तो डिफॉर्मेशन दोबारा खत्म हो जाती। जैसे ही मैं फोर्स हटा देता, डिफॉर्मेशन कैंसिल हो जाती। अगर आप इलास्टिक लिमिट के आगे जाकर इसको फोर्स लगाएंगे तो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन में चला जाएगा। या पढ़ेंगे सॉम में, हुक्स लॉ पढ़ेंगे, वहां आपको अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल ये खत्म हो गया, ठीक है। देखें, सॉलिड्स में जब आप फोर्स लगाएंगे, चाहे टेंजेंशियल फोर्स लगाएं, उससे भी डिफॉर्मेशन आएगा। दिस डिफॉर्मेशन, ये ब्लू में आप देख रहे हैं, दिस इज अ फ्रंट व्यू ऑफ द सॉलिड बॉडी। मैंने फोर्स लगाया, थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ, कितना डिफॉर्म हुआ? dx। दिस डिफॉर्मेशन इज फिक्स्ड। ये पॉइंट ए आपका ए डैश में चला गया, बी जो है वो बी डैश में चला गया, तो टोटल डिफॉर्मेशन आपका dx ये फिक्स्ड है। अब ये इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन लिक्विड्स में लिक्विड्स के केस में ऐसा नहीं है। वंस यू अप्लाई द टेंजेंशियल फोर्स, अब लिक्विड जो है वो डिफॉर्म होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। डिफॉर्मेशन विल नॉट स्टॉप, डिफॉर्मेशन विल नॉट स्टॉप। ठीक है, इफ सॉलिड बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स और स्ट्रेस, इट डिफॉर्म्स। The deformation is fixed or controlled. बात समझ आ गई आपको? लेकिन liquids में, liquids के case में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। Okay जी, once force is removed in solids, solid body regains its shape. Solid body क्या करेगा? अपनी shape regain कर लेगा। कब करेगा regain? अगर आपने उसको सिर्फ elastic limit तक ही stress किया होगा, elastic limit से ऊपर नहीं किया होगा, जो मैंने अभी आपको example में बता दिया। अगर सॉलिड बॉडी डिफॉर्म होती है और डिफॉर्म शेप में ही रहती है, वापस रिस्टोर नहीं होती है, दैट मींस आपने कहां तक स्ट्रेस किया है उसको? इलास्टिक लिमिट के आगे जाकर आपने उसको स्ट्रेस कर दिया होगा। ठीक है, ओके। नाउ इन केस ऑफ लिक्विड्स, वंस शेयर फोर्स इज अप्लाइड, एक बार आपने शेयर फोर्स अप्लाई कर दी, उसके बाद डिफॉर्मेशन कभी स्टॉप नहीं होती है, तो डिफॉर्मेशन इज कंटिन्यूअस। Fluid shows no resistance to shear stress. एक बार आपने shear stress apply कर दिया, अब deformation होती रहेगी, fluid कोई resistance show नहीं करेगा। जब मैं बात कर रहा हूँ fluid की, यहाँ आप fluid लिख के liquids and gases दोनों की बात हो रही है, liquids as well as gases, they show no resistance to shear stress. एक बार shear stress apply हो गया, deformation will be continuous. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ by diagram.
देखें सॉलिड के केस में तो मैंने आपको बता दिया था डिफॉर्मेशन इज फिक्स्ड, डीएक्स इज फिक्स्ड, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ लिक्विड्स क्या होगा, से दी ब्लू लाइंस जो हैं वो आपकी लिक्विड की लेयर्स हैं, फ्लूइड की लेयर्स हैं, ठीक है। मैंने शियर स्ट्रेस अप्लाई किया, शियर फोर्स अप्लाई किया, जो ये लेयर है ना ये डिफॉर्म होगी, पहली लेयर, लेयर नंबर वन, लेयर नंबर टू, लेयर नंबर थ्री एंड लेयर नंबर फोर। लेयर नंबर वन का एक पार्टिकल है ए वन, एट अ पोजिशन ए वन, जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई किया ये कहां मूव हो गया, ए टू पे, लेकिन अभी रुकेगा नहीं, मैंने क्या कहा डिफॉर्मेशन विल नेवर स्टॉप, ये ए वन से ए टू पे जाएगा, ए टू से ए थ्री पे जाएगा, ए थ्री से ए फोर पे जाएगा, बात समझ आएगी। दिस इज अ टॉप मोस्ट लेयर, लेयर नंबर वन। लेकिन लेयर नंबर फोर पे क्या हो रहा होगा, लेयर नंबर फोर का कोई भी पार्टिकल अपनी जगह से नहीं हिलेगा, फोर्स अप्लाई करने के बाद भी कोई भी पार्टिकल अपनी जगह से नहीं हिलेगा। क्यों नहीं हिलेगा, उसके पीछे भी ये कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखें ये आपकी बाउंड्री है, योर बाउंड्री इज एट रेस्ट, ठीक है। योर एक पाइप में या ओपन चैनल में आपका पानी फ्लो कर रहा है, जो नीचे बेड है वो स्टेशनरी है, बेड इज नॉट मूविंग, बेड इज एट रेस्ट। जो जो लेयर पानी की इस बेड के साथ कंटेक्ट में आएगी ना, उसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, वो भी रेस्ट पे आ जाएगा। आपका बेड रेस्ट पे है, पानी फ्लो कर रहा है, जो लेयर इस बेड के साथ कंटेक्ट में आ गई वो भी अब आगे मूव नहीं करेगी, वो भी रेस्ट पे आ जाएगी, उसकी भी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। इसीलिए मैंने इस पॉइंट को यहां शो नहीं किया, यहां शो नहीं किया, यहां शो नहीं किया, दिस पॉइंट विल रिमेन एज इट इज। इस प्रॉपर्टी को, इस कंसेप्ट को बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट, नो स्लिप कंडीशन। क्या है नो स्लिप कंडीशन, दोज लेयर्स ऑफ फ्लूइड व्हिच कम इन कंटैक्ट विद व्हाट, विद योर रेस्टिंग सरफेस, दे आल्सो हैव जीरो वेलोसिटी, वो भी रेस्ट पे आ जाती है, वो लेयर ऑफ फ्लूइड, ठीक है। दिस इज नोन एज जीरो स्लिप कंडीशन। अच्छा ध्यान से देखें, रेड कलर से मैंने दिखाया, पहले डिफॉर्मेशन थी थीटा वन, वेन पॉइंट, वेन पार्टिकल मूव फ्रॉम ए वन टू ए टू, नाउ डिफॉर्मेशन इंक्रीज, ये बन गई अब थीटा टू, जब पार्टिकल आपका ए वन से ए थ्री पे पहुंचा, ये डिफॉर्मेशन और बढ़ गई, ये होगी थीटा थ्री, वेन पार्टिकल मूव फ्रॉम ए वन टू ए फोर। तो थीटा, दैट इज डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन केस ऑफ फ्लूइड्स, इन केस ऑफ सॉलिड्स डिफॉर्मेशन इज फिक्स्ड, बात समझ आ गई। सो व्हाट आर फ्लूइड्स, फ्लूइड्स आर दोज सब्सटेंसेस, फ्लूइड्स आर दोज सब्सटेंसेस हैविंग एबिलिटी टू फ्लो, जिनमें ये सलाहियत है कि वो फ्लो कर सके, ऐसे सब्सटेंसेस को हम फ्लूइड बोलते हैं, और फ्लूइड में लिक्विड भी आएगा, गैस भी आएगा, दोनों चीजें, ठीक है, ओके आ गया। फ्लूइड सब्सटेंसेस हैविंग एबिलिटी टू फ्लो, ये आपके पांच फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आज मैंने आपको बता दिया, सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स एंड डिफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड्स में क्या डिफरेंस है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी हैं, नो स्लिप कंडीशन क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट टू मेक योर बेस, अभी हम आपकी बेस बना रहे हैं, इस पे फिर आगे काम करेंगे, ये समझे आप, एक आज एक वार्म अप मैच था जो आप खेल चुके हैं, कल से आपका असली T20 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट।